भारत में चीता प्रोजेक्ट के सफल प्रयोग के बाद श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से चीतों का कुनबा बढ़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। नामीबिया से लाकर बसाए गए 8 चीतों के बाद अब साउथ अफ्रीका से 12 चीतों को कूनो नेशनल में लाया जाना है। अफ्रीकन चीतों को कूनो में लाने के लिए भारत से 4 लोगों का एक विशेष दल शनिवार को साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो चुका है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों को कूनो लाया जाएगा और इसको लेकर आखिर क्या है खास तैयारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चीतों के आगमन को लेकर एक बार फिर से कूनो नेशनल पार्क तैयार है। इस बार चीते नामीबिया से नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे हैं। इसे लेने के लिए एक खास दल भी साउथ अफ्रीका पहुंच चुका है। रूट की अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका से सीधे फ्लाइट के जरिए ग्वालियर में चीते आएंगे और उसके बाद सेना के विशेष हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। इन चीतों की अगर बात की जाए तो 18 फरवरी को जैसे ही कूनो नेशनल पार्क में ये चीते पहुंचेंगे इन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इससे पहले भी जो चीते नामीबिया से लाए गए थे उन्हें 1 से 1.5 महीना क्वारंटीन यानी एक छोटे बाड़े में ही रखा गया था, उन्हें खाना भी उसी बाड़े में दिया जाता था। तो इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। चीते लाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का टाइगर स्टेट है, लियोपार्ड स्टेट है, वल्चर स्टेट है और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश बन गया है। कुछ चीते पहले आ गए थे और अब कुछ 18 तारीख को आने वाले हैं। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, वल्चर स्टेट और केवल इतना नहीं, अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश बन गया। कुछ चीता पहले आ गए, कुछ अभी और 18 तारीख को आने वाले हैं और टाइगर स्टेट ऐसा वैसा नहीं। जरा कई बार तो जब आप टाइगर पार्क में जाते हैं तो टाइगर हैंडशेक करने आगे बढ़ जाते हैं। वहीं नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे कि क्या वो भारत के वातावरण में ढल पाएंगे या नहीं, मगर 8 चीते पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अब कूनो के वातावरण के माहौल में पूरी तरह से ढल चुके हैं। पहले इन्हें छोटे बाड़े में रखा गया था, वहीं 2 महीने के बाद इन्हें बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया था। 8 चीते जमकर शिकार भी कर रहे हैं। एक चीते की तबीयत खराब हुई थी जिसके बाद उसे छोटे बाड़े में इलाज के लिए रखा गया था, मगर अब वो भी पूरी तरह से स्वस्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से भारत चीते लाए गए थे। अब इन चीतों को लेकर भी लगातार सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या भारत में ये चीते सरवाइव कर पाएंगे, मगर आठों की आठों चीते पूरी तरह से स्वस्थ थे। वन मंत्री विजय शाह से भी हमने जब इस बारे में बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि चीते पूरी तरह से स्वस्थ है और शिकार भी कर रहे हैं। शुरुआत में जरूर उन्हें छोटे बाड़े में रखा गया था, लगभग 2 महीने तक क्वारंटीन रखा गया, उन्हें खाना भी उसी बाड़े में दिया जाता था कि किसी तरह से वो इस माहौल में, इस वातावरण में ढल जाए, मगर धीरे धीरे चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के उस वातावरण में ढलते चले गए। उन्होंने इस कूनो नेशनल पार्क को अपना घर माना और उसके बाद उन्हें बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है चीते पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो खुद शिकार भी कर रहे हैं और आम जन के लिए भी जल्द ही ये कूनो नेशनल पार्क खोला जाएगा जहां पर आम लोग चीते भी देख सकेंगे। बीच में जरूर एक चीते की तबीयत खराब हुई थी जिसे फिर से क्वारंटीन किया गया था, उसकी देखरेख की गई, इलाज किया गया, जिसके बाद वो अब पूरी तरह से स्वस्थ है और आठों चीते इस वक्त बड़े बाड़े में हैं। जो नए चीते लाए जा रहे हैं उन्हें पहले की तरह ही छोटे बाड़े में शुरुआती 1-2 महीने में रखा जाएगा। 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क पहुंचने वाले अफ्रीकन चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने के लिए केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब चीतों का कुनबा लगातार बढ़ता ही जाएगा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क में मौजूद रहेंगे और इन चीतों को बाड़े में भी छोड़ेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे जिसमें 8 चीतों के नाम ओबान, फ्रेडी,
सावना, आशा, सिबली, सैसा और शासा है। एक मादा चीते का नाम आशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था, जबकि बाकी अन्य चीतों के नाम नामीबिया में ही रखे गए थे। भोपाल से सहयोगी शुभम गुप्ता की रिपोर्ट।